जय हिंद दोस्तों, मैं रियाज, मैं यहां इस वक्त नेपाल, इंडिया और नेपाल बॉर्डर सोनौली बॉर्डर पे खड़ा हूं। आज 30 तारीख 30 मई 2021 का दिन है और शाम के वक्त कुछ 4:30 बज रहे हैं, 5:45 बज रहे हैं। मैं आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं कि आज यहां हम लोग कुछ काम से, मतलब ये मेरा गांव भी पड़ता है और नेपाल बॉर्डर, यहां से 1 किलोमीटर पे नेपाल बॉर्डर है। दिखाना यहां से, ये रोड दिखाना, यहां से सिर्फ 1 किलोमीटर पे बॉर्डर है नेपाल बॉर्डर। ये अपने सोनौली बॉर्डर इंडिया में खड़े, ये सोनौली बॉर्डर है, ये सोनौली बॉर्डर है जहां भैरवा आता है और मैं यहां भैरवा के पास खड़ा हूं इंडिया में। इधर अपने हिंदुस्तान में आज जो पेट्रोल का रेट है वो 101 रुपया लीटर है और डीजल मेरे साथ शायद 89 या 90 रुपीज लीटर है डीजल। लेकिन आज मुझे एक चीज देख के बड़ा ताज्जुब ये हुआ कि 1 किलोमीटर पर नेपाल बॉर्डर है और नेपाल में पेट्रोल 85 रुपीज से भी कम है इंडियन रुपीज और डीजल 68 रुपया या 69 रुपीज है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात, हमारे हिंदुस्तान, हमारे मुल्क से ही डीजल और पेट्रोल नेपाल जाता है, हमारे मुल्क से ही डीजल पेट्रोल नेपाल जाता है। ये यहाँ के हमारे कुछ लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्या नाम है भाई आपका? जावेद जी, आप बताइए कि पेट्रोल का यहाँ क्या रेट है, डीजल का हिंदुस्तान में जो सोनौली बॉर्डर पे वहाँ क्या रेट है? पेट्रोल और डीजल का 68 रुपया पैसे है। और हिंदू हमारे हिंदुस्तान में, यहाँ हमारे हिंदुस्तान में 95 101 रुपये है आज 101 रुपये कुछ रेट चल रहा है और डीजल 90 या 91 रुपये। और जबकि पेट्रोल डीजल नेपाल में जाता कहाँ से? इंडिया से जाता है। ये हमारा बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये देखिए, ये बॉर्डर है 1 किलोमीटर पे बॉर्डर है, ये रोड है, ये गांव है, ये बॉर्डर है, ये उस तरफ नेपाल आपको दिख रहा है और ये हमारे इंडिया में खड़े। ये देखिए, इधर आइए, ये रोड दिखाइए, ये हाईवे रोड है, ये हाईवे रोड है नेपाल रोड, इस तरफ ये इंडिया है, गोरखपुर जाएगा, गोरखपुर सोनौली इस तरफ इंडिया है और इस तरफ नेपाल भैरवा, ये भैरवा है, ये 1 किलोमीटर पे इतना फर्क, जबकि हमारे हिंदुस्तान से जा रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान से पेट्रोल डीजल जा रहे हैं और हम ही इसका फायदा नहीं उठा पा रहे, इतना फर्क है। अब क्या करें, ये क्यों ऐसा हो रहा है? मेरी आप लोगों से वो है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, हमारे देश के राष्ट्रपति जी से, फाइनेंस मिनिस्टर जी से सबसे वो गुजारिश है कि हमारे देश से ही जा रहे हैं और हमको यहाँ महंगा मिल रहा है और वहाँ सस्ता, दूसरे देश का फायदा, हमारे देश के लोगों को नुकसान, तो इसके ऊपर कुछ सोचिए। और यहाँ पेट्रोल जो इतना दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इसको कम कराइए, क्योंकि हमारे देश के पेट्रोल डीजल वहां जा रहा है जो हम बाहर से आयात करते हैं, बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और उनको देते हैं और इनको इतना सस्ते में देते हैं और हमारे देश के लोगों को ही महंगा मिल रहा है। 10-5 का फासला भी नहीं है, 10-5 का, चलो 2-3-4 रुपए का फासला तो समझ में, 15-20 रुपए तक का डिफरेंस है। तो बस ये आप लोगों, आज मेरे नॉलेज में आज ये चीज है, मैं सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि आज 30 मई 2021 का दिन और संडे का दिन है तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं बोला आप लोगों को बता दूं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।